नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को लेकर और बड़ा सस्पेंस। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट टलने से राजभवन से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ी भाजपा। शिवराज बोले, अल्पमत में है कमलनाथ सरकार, फ्लोर टेस्ट से भाग रही है सरकार। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा। शिवराज समेत 9 विधायकों ने लगाई याचिका, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं होने से भाजपा पहुंची राजभवन। राज्यपाल के सामने कराई विधायकों की परेड, 106 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर भारी पड़ा कोरोना। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित। स्पीकर ने केंद्र की एडवाइजरी का दिया हवाला, विधानसभा में सभी मास्क लगाए आए नजर। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर जमकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश का दिया हवाला। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बोले स्पीकर, विधानसभा से नहीं हुआ कोई पत्राचार। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के बाद सदन को दी सलाह, सदन की मान्य परंपराओं का पालन करें, दोनों पक्षों के विधायकों की सदन को चलाने की जिम्मेदारी। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में नहीं पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक, अब भी बेंगलुरु में ही जमे, भाजपा के समर्थन में जल्द कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायकों का हुआ कोरोना टेस्ट, रिसोर्ट पहुंच, डॉक्टरों की टीम ने की मेडिकल जांच, सभी विधायक पाए गए पूरी तरह फिट। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी फिर कांग्रेस के खेमे में आए नजर। सदन स्थगित होने के बाद फिर पहुंचे मुख्यमंत्री निवास, राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड में नहीं हुए शामिल। भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का पलटवार, कहा कि हिम्मत है तो लाए अविश्वास प्रस्ताव, फिर किया सरकार के बहुमत में होने का दावा। राज्यपाल लालजी टंडन की मुख्यमंत्री कमलनाथ को नई चिट्ठी, 17 मार्च को साबित करें बहुमत, अन्यथा माना जाएगा कि आपके पास बहुमत नहीं। लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने की दी नसीहत। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच भोपाल से दिल्ली तक भाजपा में बैठकों का दौर जारी। आगे की सियासी रणनीति पर मंथन, कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ कैबिनेट के कई मंत्री दिल्ली रवाना, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा समेत महाधिवक्ता शशांक भी दिल्ली रवाना। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन पर कांग्रेस ने लगाई आपत्ति, मंगलवार को होगा निर्णय, दिग्विजय बरैया और रंजना बघेल के नामांकन स्वीकार। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब गुजरात कांग्रेस में टूट, 5 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बचे हुए विधायकों को पार्टी ने जयपुर भेजा। जयपुर में ठीक हुए 3 मरीज, अब तक भारत में कुल 115 मामले आए सामने, दिल्ली में भी ठीक हुए मरीज। कोरोना के चलते शेयर बाजार में फिर बड़ी गिरावट, सेंसेक्स में 27,013 अंकों की बड़ी गिरावट, निफ्टी 757 अंक लुढ़का। कोरोना के चलते महाकाल मंदिर में भस्म आरती में भक्तों के शामिल होने पर लगी रोक, श्रद्धालु कर सकेंगे महाकाल मंदिर में लगी एलईडी टीवी से दर्शन। कोरोना का बॉलीवुड पर जबरदस्त असर, ज्यादातर सिनेमा घर बंद, कई फिल्मों की शूटिंग रुकी, इवेंट कैंसिल, घर से बाहर नहीं निकल रहे सेलिब्रिटीज, करोड़ रुपए का नुकसान। कोरोना के खौफ के चलते कई फिल्मों की रिलीज डेट टली, हाथी मेरे साथी भी अब 2 अप्रैल को नहीं होगी रिलीज, हिंदी तमिल तेलुगु में बनी इस फिल्म की नई रिलीज डेट जल्द होगी घोषित। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।